नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले और बालू कारोबारी सुभाष यादव के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। सर्च ऑपरेशन की यह कार्रवाई बताई जा रही है। आपको बता दें कि सुभाष यादव बालू कारोबार से जुड़े हुए हैं और बालू कारोबार से संबंधित मामले में ईडी की जो कार्रवाई है वो सुभाष यादव के कई लोकेशन पर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार करीब आधा दर्जन लोकेशन पर ईडी की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह सुभाष यादव को लालू प्रसाद यादव परिवार का बेहद करीबी बताया जाता है और इससे पहले भी बालू कारोबार के मामले में सुभाष यादव का जो नाम है वो जुड़ता रहा है। कार्रवाई उन पर पहले भी हुई है और इस बार भी बालू कारोबार से संबंधित मामले में ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। उनके आधा दर्जन लोकेशन पर ईडी की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। एसके राजीव, सुभाष यादव के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब उनके आधा दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? नहीं देखिए, दरअसल में नवीन, सुभाष यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव के न सिर्फ करीबी हैं बल्कि इतने करीबी हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 में विधिवत झारखंड के चतरा से उनको लोकसभा का टिकट भी दिया गया था। बिहार में बालू का उनका एक बड़ा कारोबार है, इसके अलावा भी कई मामले हैं। तो जो ईडी जो कार्रवाई आज कर रही है तो वो बालू कारोबार से तो मामला जुड़ा हुआ है, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो इनके ऊपर दर्ज कर दिया गया, यानी कि पैसे की हेरा फेरी का आरोप जो है वो इनके ऊपर लगाया गया है। और इसी मामले को लेकर के आज सुबह से लगभग 7-8 ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि पटना में भूतनाथ रोड है, दानापुर है, मरिशिया कम्प्लेक्स के पास इनका आवास है, जहां पर कि लालू प्रसाद यादव की मां के नाम पर जो बना हुआ है आवास वहां है। इसके अलावा दिघा रोड जो है, पटना दिघा रोड, वहां पर छापेमारी हो रही है। तो लगभग 6 जगहों पर जो है छापेमारी सुबह से ईडी की टीम जो है वो लगातार कर रही है। हालांकि सुभाष यादव है या नहीं है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये इतना तय माना जा रहा है कि अगर सुभाष यादव ईडी की गिरफ्त में आते हैं तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद जो है वो कहीं ना कहीं से कमजोर होंगे, क्योंकि पार्टी में फंडिंग का जो एक बड़ा काम वो सुभाष यादव के द्वारा ही किया जा रहा था। और यही वजह है कि आज ईडी के द्वारा जो है वो सुबह से लगातार छापेमारी की जा रही है। अब बिल्कुल ईडी के रडार पर है सुभाष यादव और लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है, और अगर ईडी की गिरफ्त का दायरा बढ़ता है तो निश्चित रूप से लालू यादव के लिए मुश्किलें आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन, 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा, बरकंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सरायथेला धनबाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।